हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना की सुनामी, 24 घंटे में आए 2,75,000 नए केस, 1,625 मौतें। महामारी की दूसरी लहर में दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ती कोरोना संक्रमितों की संख्या का असर अब रिकॉर्ड मौतों के रूप में दिखने लगा है। वर्ल्डरोमीटर के मुताबिक रविवार रात 12 बजे तक 24 घंटे में देश में कुल 2,75,306 नए संक्रमित दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 1,625 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में कोरोना के नए संक्रमितों और इससे मौत का ये सर्वोच्च आंकड़ा है। देश में लगातार 3 दिन से मौतों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये पहली बार है जब एक दिन में 2,74,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। खास बात ये कि पिछले कई दिनों से नए संक्रमितों का आंकड़ा तेज नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। फिलहाल देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,50,57,767 हो गए हैं। सक्रिय मरीज 19,00,000 के पार। संक्रमण के मामलों में लगातार 39वें दिन वृद्धि हुई है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,00,000 को पार कर गई है। फिलहाल कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,23,877 है, जो कुल संक्रमितों की संख्या का 12.76% है। दोगुनी हुई पॉजिटिविटी दर। देश में कोरोना की संक्रमण दर सिर्फ 2 हफ्तों को भी कम समय में दोगुनी हो गई है। यानी कुल टेस्ट किए गए सैंपलों में से 16.7% सैंपल पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वहीं साप्ताहिक औसत 14.3% है। इससे पहले बीते साल 19 जुलाई को पॉजिटिविटी दर 15.7% पहुंची थी और साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 12.5%। 16.7% संक्रमण दर होने का मतलब है कि हर 6 सैंपल में से एक का पॉजिटिव पाया जाना। 82% मौतें केवल 8 राज्यों में। देश में 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 503 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद दिल्ली में 161, छत्तीसगढ़ में 170, यूपी में 127, गुजरात में 110, कर्नाटक में 81, पंजाब में 68 और मध्य प्रदेश में 66 लोगों की मौत हुई। इन 8 राज्यों में कुल 1,286 मौतें हुई, जो कुल 1,570 मौतों का 81.9% है। जागरूक टीवी के कोरोना अपडेट पर खास रिपोर्ट।